योगी सरकार में डिप्टी सीएम लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सीतापुर के महमूदाबाद के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में सपा सुप्रीमो अखिलेश पर तंज कसा और कहा कि विपक्षी चाहे जितने दलों से गठबंधन कर लें, लेकिन उनका यह ख्वाब कतई पूरा नहीं होने वाला। सपा यूपी में 40 बरस तक सरकार में नहीं आने वाली है। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास किया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। भाजपा ने सभी सीटों पर विकास किया है। उन्होंने जनता से सवाल किया कि क्या लक्ष्मी जी कभी साइकिल, हाथी और पंजे पर बैठकर आती हैं? वो हमेशा कमल के फूल पर विराजमान होती हैं। इसलिए अगर आपको विकास चाहिए तो इस सीट पर कमल खिला लो। करीब एक घंटे देरी से पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 25,449 लाख की लागत से 113 कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास जनता को सौगात दी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की 15,964 लाख लागत की 80 सड़कों का लोकार्पण तो 1,897 लाख लागत की 32 सड़कों का शिलान्यास किया। उन्होंने राज्य सेतु निगम के 7,588 लाख लागत के एक ओवरब्रिज का लोकार्पण भी किया। इस दौरान स्यौता विधायक ज्ञान तिवारी, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, बिसवा विधायक महेंद्र सिंह यादव व हरगांव विधायक सुरेश राही द्वारा सौंपे गए मांग पत्रों को पूरा करने का उन्होंने मंच से ही ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता की राजनीति नहीं करती, विकास की राजनीति करती है। हमारी सरकार गरीबों व मजदूरों की सरकार है, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है। सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि यह वह कमल का फूल है जो 24 घंटे बिजली देने जा रहा है। साल में 6,000 रुपये किसानों को देने वाला कमल का फूल ही है। यह वह कमल का फूल है जिसने धारा 370 को हटाया है। मोदी को हराने के लिए सभी विरोधी पार्टियां एक हो गई हैं। यदि आपने भाजपा को समर्थन नहीं दिया होता तो राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण आप नहीं देख रहे होते। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन समाप्त कर दिया है। 5 लाख रुपए किसानों को देने जा रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने एक दिन की भी छुट्टी लिया है क्या? इतनी सेवा में समर्पित रहने वाला क्या इससे पहले आपको कोई प्रधानमंत्री मिला है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से निःशुल्क राशन बांटा। पहले के प्रधानमंत्री गरीब के लिए दिल्ली से 1 रुपये भेजते थे तो मौके पर 15 पैसा पहुंचता था। 1 रुपये भेजेंगे तो 1 रुपये, 1 लाख भेजेंगे तो 1 लाख सीधे पात्रों के खाते में पहुंच रहा है। घटना हुई जिसमें हमारे तीनों सेनाओं के मार्गदर्शक सीडीएस, अरे चेहरा देख रहे हो भाई, सिंह रावत जी जी और हमारे अन्य 12 जो अधिकारी या सैन्य अधिकारी थे, एक घटना में बलिदान हो गया है। क्यों? उनको नमन करता हूँ। और आज मैं गया था आगरा में, जो कमांडर सिंह रावत जी थे, बड़ा भी था, और उस घटना पे बहुत हम सब लोग दुख व्यक्त करते हैं और परिवार को, देश को शक्ति प्राप्त हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज सीतापुर जनपद में 81 काम जिनकी लागत 235 करोड़ से अधिक की है, उनका और शिलान्यास के कार्यक्रम 32 हैं जिसकी लागत लगभग 19 करोड़ है, और ऐसे कार्यों का आज यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। और 2017-18 में जब हमारी सरकार बनी थी तब से अब तक लगभग 1,700 करोड़ रुपए की सड़क की परियोजनाएं जनपद में जोड़ दी है। आज हमारे माननीय सांसद जी, हमारे माननीय विधायक, हमारे माननीय पार्टी नेतागणों ने कई मांग की है, मांग पूरा करने का काम करेंगे। पहले 4 घंटे बिजली मिलती है, 24 घंटे मिल रही है। हम गरीब के लिए प्रयास है मुख्यमंत्री जी, हर गरीब के जीवन में जो दुख है उसको दूर करें, युवा में खुशहाली लाएं, जो किसान है उसकी आमदनी बढ़ाएं। सर, अखिलेश जी कह रहे हैं कि सरकार जो है लगभग दूर होने वाली है। कभी कभी याददाश्त कमजोर है, आपको पूरा याद दिला। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दावा किया था कि वो सुनिधि सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और 70 सीटों के लिए परिवार की सीटों के अलावा कोई और दूसरी सीट नहीं जीत पाई। 2017 में 317 सीटें जीते, उन्हीं की सरकार थी, लेकिन जनता ने सपा का सूपड़ा साफ कर दिया। 2019 में बुआ भतीजे एक हो गए, लोक दल भी उसमें जुड़ गई, लेकिन इसके बाद भी हम 64 सीटें जीते, 51% वोट प्राप्त किए। तो इसका मतलब है कि सपा के दावे हवा हवाई है। और मैं आपको बता रहा हूँ, 22 में सुपड़ा साफ होगा। 2000
2017 में सपा हाफ कहना एक चौथाई हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद 22 के चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस से मुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से लड़ाई लड़ रही है और 300 से ज्यादा सीटें हम फिर जीतेंगे, फिर कमल खिलेगा, फिर भाजपा सरकार। प्रियंका गांधी कह रही हैं मंत्री जी से आस्था का प्रमाण। समारोह में डिप्टी सीएम ने कहा कि महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र पर कमल का फूल चाहता हूं। उन्होंने लोगों से हामी भराई। उन्होंने कहा कि आप हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूल जाते हैं, मैं आपको वह शक्ति याद दिलाने आया हूं। 2022 का विधानसभा चुनाव है, माताएं बहनें सुरक्षित रहें, लोगों को जमीन सुरक्षित रहे, इसके लिए कमल के फूल को जिताएं। यह वह कमल का फूल है जिसने गुंडों से प्रदेश को मुक्त कराया है। समारोह में सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने भी अपने विचार रखे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।